वही चीजें घूम घूम के वही वही बकवास चल रहा है। सो क्या प्रॉब्लम है, इफ मियां बीवी राजी क्या करेगा काजी? उनके कपिल के बीच में क्यों जा रहे हो? नो, एक प्राइवेसी होती है कपिल की। यार मुझे नहीं पता था भाविन इतना अच्छा गाता है। आजकल बहुत सारे लोग सिंगिंग कर रहे हैं, बट जिस तरीके से पंजाबी सॉन्ग इन्होंने एक्सेंट निकाल के सारी चीज़ें गाई है बहुत अच्छे से, इट्स रियली नाइस है। और समीक्षा भाविन दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओके, इस टैलेंट के बारे में पता था आपको भाविन के? जीरो नॉलेज। मैं भाविन को बहुत टाइम से देख रहा था, बट अभी कुछ टाइम पहले हम लोग दोस्त बने और फिर हमने इवेंट्स किए साथ में, बट अभी उसे एज सिंगर देख के भी ऐसा लग रहा है कि यू नो अपग्रेड हो रहा है और लाइफ में यू नो आगे कर रहा है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। ओके, आपके इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा, आप भी एक्टर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट बनाते हैं, एंड आपको भी हम ऐसे कोई गाना वाना गाते हुए देख पाएंगे? मैंने कवर सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, बट अभी तक रिलीज़ नहीं किया क्योंकि मुझे खुद ही लगा कि वो अच्छे नहीं है। बट अगर मुझे लाइक यू नो मैं उसको अच्छे तरीके से कर पाऊंगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट। Like, you know, maybe in future you can. Okay, इसी तरीके से मैं जानना चाहूँगा कि last time हमारी जब हम मिले थे तो हम हमारे विषय बिग बॉस के बारे में बात हुई थी, इस बार क्या बताऊँ तो क्या नया अपडेट, कौन आपको पसंद आ रहा है? नहीं, बट ऑनेस्टली मेरा मन नहीं कर रहा है आजकल वो सब देखकर, वो वही वही चीज़ें घूम घूम के वही वही बकवास चल रहा है। सो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आई वॉज वॉचिंग मराठी बिग बॉस मेरी मम्मी के साथ में थोड़ा सा, सो उसमें थोड़ा सा खुश था मैं, मतलब क्योंकि टेस्ट चेंज करने के लिए मैं थक गया खुद देख के। अब मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं कभी गलती से गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे लगता है मैं देख ही नहीं पा रहा तो रह कौन सा पाऊंगा। ओके, रितेश भी गए इस बार राखी के हस्बैंड, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है? यार उनको अभी आई थिंक मैंने प्रोमो देखा था कि किसी ने कॉमेंट किया है कि अभिजीत ने कॉमेंट किया कि हायर क्या वो पति है। सो एक सेकेंड के लिए मुझे भी लगा था बट यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राखी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राखी जिम में आती है, तो फिर वो उससे पहले बताया था कि आई एम गोइंग टू बिग बॉस एंड आई बी विथ माई दिस हस्बैंड। सो मेरा भी क्वेश्चन उनसे यही था कि सही में है। सो वो अच्छा लग रहा है, उनका बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उनके हस्बैंड को लेकर भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, कहा जा रहा है वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनकी वाइफ है एक, उनके बच्चे हैं। मतलब अगर ऐसा है भी तो आई वॉन्ट टू आस्क पीपल कि क्या प्रॉब्लम है, इफ़ मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, यू नो? अगर वो लोग दोनों ही सॉर्टेड है तो आप क्यों उनके बीच में जा रहे हो? उनकी शादी हो रखी है, बच्चे हो, क्या भी हो, आप उनके कपिल के बीच में क्यों जा रहे हो? नो, एक प्राइवेसी होती है कपिल की, वो अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करते हैं। सो आई थिंक वही आपस में देख ले यार, और क्या। विनर लेवल पे किसको देखते हैं? अब थोड़ा सा हार्ड रहेगा, कुछ ही टाइम बचा है सारे के सारे। आई रियली वांट कि शमिता ही जीते यार, और मतलब कोई खास वजह? उनके गेम स्टार्ट से खेल रही है, अच्छा खेल रही है। आई डोंट वांट टू से कि कोई वाइल्ड कार्ड आके जीतना नहीं चाहिए, बट शमिता अच्छा खेल रही है। निशांत की भी गेम बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। सो कोई भी जीत सकता है, मतलब अभी गेम थोड़ा पलटता हुआ लग रहा है। शमिता है,